ज्यादा ठंडा है ना, बस मैं बता नहीं सकती, ऐसे ना कांप रही हूँ। मैं इस टाइम नीचे आई हूँ सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग करने के लिए, कि मैं व्लॉगिंग करती तो मैंने कहा मेरे को अपना काम ही छोड़ना, चाहे ठंड हो चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो, मुझे अपना काम बहुत शिद्दत से करना है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कूल चिपर्स। तो जी सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं उठ चुकी हूँ और आज मैं आई हूँ ऊपर। मैंने कहा थोड़ी बहुत व्लॉगिंग भी कर लूँ, साथ में मेरे साथ जानू भी है और अच्छी खासी ठंड हो रही है बाहर। तो आपको पहले बाहर का एक बार नज़ारा दिखाती हूँ। ये बाहर ठंड है, बाहर अच्छी खासी ठंड हो रही है। तो चलिए बस उठ गए हैं अब, तो थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं, रह जाती है वरना फिर दिन में ज़्यादा टाइम करना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो उठ गई हूँ तो अब आज वॉक कर लेती हूँ अपनी। चलिए जी वॉक करते हैं स्टार्ट, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो जी 1 घंटा हो गया है और अपनी वॉक हो गई है और ठंड तो नहीं है आज, तो हवा वगैरह नहीं चल रही, हवा चल रही होती है तो दिक्कत हो जाती है। तो चलिए अब फटाफट चलते हैं नीचे वरना ये ना हो हम लेट हो जाएं। तो जी मैं रेडी होके आ गई हूँ, कितना अच्छा लगता है ना मैं ऐसे बोलती हूँ मैं रेडी हो गई हूँ, 7 बज गया अब मैं जा रही हूँ। सुबह सुबह इतनी होच पोच रहती है ना, वॉक करो, सर धोना था सर धोया, रेडी होना तो साड़ी ढूंढी, कोई और पहननी थी उसका ब्लाउज नहीं मिला, अच्छे से सारी जगह ढूंढा, बेड खोला, बेड में देखा कहीं कुछ नहीं मिला, उसके बाद फिर ये निकाली, इसे रेडी करा और ये पहनी है। तो जब मैं आती हूँ या बोलने के चलो मेरा काम अब मैं जा रही हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं बड़ा स्मूथली लाइफ चलती है, ऐसा कुछ नहीं होता। सुबह सुबह 5-5 मिनट के लिए ना, अभी ये रह गया, अभी ये रह गया, अभी ये रह गया, सारा होच पोच रहता है। तो आज जो साड़ी पहननी थी वो मिली नहीं, तो इसलिए फिर आज ये वाली साड़ी पहनी है। तो बस अब रेडी हो गई हूँ और थोड़ी लेट हो गई हूँ, चलती हूँ अब मैं वरना लेट हो जाऊँगी। और बाकी तो घर में सारे सोए हुए हैं, मम्मी और जानू हैं, मम्मी और जानू से आपको मिलवा देती हूँ फिर निकलते हैं। और ये मम्मी किचन में, मम्मी नाश्ता बना दिया मेरे लिए? हाँ बेटा बना दिया। क्या बनाया है? बना दिया, वहाँ जाके देखना आप, सरप्राइज है। तो भाई आजकल लेट हो जाती हूँ तो फिर मम्मी बनाती है। और ये हमारे जानू को देख लो, जानी क्या कर लिया बेबी, जानू कहा कर रहा है? अभी मम्मी ने इसके ऊपर पैर रख दिया था, जानू चिक्का बड़ी जोर से, देखो बिजी हो रहा है जानू, पता नहीं चूहिया दिख गई इसको क्या दिख गया। तो बस फिर मम्मी आज लंच में क्या बना रहे हो? लंच में अभी सोचेंगे ना, बहुत दिन टाइम, आज तो गोभी भी लाई हुई हूँ मैं। हाँ गोभी खाओगे आप? गोभी खा लेंगे, बना दूंगी गोभी, बना दूंगी। चले फिर मम्मी। हाँ जी ठीक है। साड़ी आज कैसे बांध ली है? हाँ थोड़ी थोड़ी, अब आपको आ गया बांधनी। सही बांध दिया आज? हाँ थोड़ी। कलर कैसा लग रहा है? कलर फाइन। अच्छा ठीक है फिर। हाँ जी चले। ओके बाय बाय। बैग ले लो। चले जी फिर। हैं हाँ जी बाय बाय। तो जी ये मैं और ये मेरी गली। कुछ लोग है ना बड़े वेल प्लान्ड होके चलते हैं, वो रात को अपना तैयार कर लेते हैं उन्होंने सुबह क्या पहनना है कैसे करना है। और मेरे साथ तो ये बड़ी गंदी आदत है मुझे, कि मैं मॉर्निंग में उठती हूँ उसके बाद सोचती हूँ कि आज मुझे क्या पहन के जाना है, फिर वो चीज़ अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले फिर मज़ा नहीं आता कुछ और पहनने में। तो बस रास्ते में थोड़ा पानी है, साड़ी को बचाना पड़ता है। तो आज के लिए मैंने सोचा हुआ था पिंक कलर और वो मिला नहीं, तो फिर ब्लू पहन लिया, पर जो सोचा वो मिल जाए तो अच्छा। हर चीज़ की प्री प्लानिंग होनी बड़ी ज़रूरी है लाइफ में, वरना मेरी तरह यही है मन मार के करना पड़ता है फिर काम। पहुंच गए हैं जी अपनी टमटम के पास, दिखाती हूँ मैं आपको मेरी टमटम। अच्छा आजकल है ना मुझे टमटम में जाने में इतना बढ़िया लग रहा है ना, मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं खुद ड्राइव करूँ, सर्दी लगती है और स्टेयरिंग पे हाथ लगाती वो इतना ठंडा ठंडा स्टेयरिंग लगने लग जाता है ना, और इसमें आराम से बैठ के जाओ, ड्राइवर चला तो रहा है दिक्कत क्या है। तो बस पहुंच गए हैं जी अपने टमटम के पास, चलते हैं अब, मिलेंगे आपको थोड़ी देर बाद। आज चौकी आ गया दीदी से मिलने के लिए, चलो 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 चलो, ऐसे सर्कल लगाता है मेरा चौकी। को डांट रही है दीदी? को डांट रही है दीदी को? हैं कौन डांट रहा है? कौन डांट रहा है? कौन डांट रही है चौकी? कौन डांट रही है? सर्कल लगा के दिखाओ चौकी। चलो 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 चलो।
आजा टफी टफी टफी। चलो बाय बाय बाय। तो फाइनली 2 बज गए हैं और घर जाने का टाइम हो गया। तो मुझे नींबू चाहिए थे, मैंने कहा चलो आज जो है नींबू फिर से तोड़ लेते हैं पेड़ पे से। और वो बड़े अंदर जाके लगे हुए हैं, देखो 2 नींबू बहुत हो जाएंगे पेड़ पे, दिख रहे हैं? एक तो इस पेड़ में ना कांटे बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पीछे भी नींबू हैं। मुझे ये 2 नींबू दिख गए। आगे देखिए आप, ले आइए आगे, ले आइए कैमरे को। तो फाइनली ये 2 बड़े बड़े नींबू, एक और एक ये दूसरा अंदर गिर गया। चलो जी नींबू हो गए हैं, एक हो गया, एक दूसरा उठाती हूँ मैं, इतना दूर जाके गिरा साड़ी में बड़ी दिक्कत हो रही है। और चलते हैं फिर यहाँ से। चला गया वो, आपको जाना पड़ेगा लेने के लिए। नींबू हो गए हैं, नींबू कैमरा मैन से उठवाने पड़े, मुझे तो वहाँ अंदर जाया नहीं गया साड़ी और हील में। चलिए जी चलते हैं। और अपना टफी भी बैठा हुआ है, वेट कर रहा है वो। तो 2 नींबू हो गए आज के लिए, बहुत है। चलो जी चलो चलते हैं। तो मम्मी अपने दिनचर्या का काम करते हुए मम्मी घर आ गई हूँ मैं। मम्मी मेरा वेट कर रही होती है लस्सी का, है ना? हाँ जी। और लाइट नहीं है आज, लाइट नहीं है तो आज हम ज़्यादा शूट नहीं करेंगे क्योंकि फिर हमें दिक्कत आएगी बाद में। तो दिन अच्छा गया? ओके। क्या बनाया आज लंच में? आज बने हैं बहन जी राजमा और आलू गोभी और मूली की भुजी और लस्सी। और लस्सी। चलो लंच देखते हैं और आरू दिखाती हूँ आपको क्या कर रहा है। और ये मेरा आरी, ये गोल गोल घूम रहा है। और आरी से भी ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए आप ईशी को, ईशी खुद से चल के आ रही है, मेरी बेबी आ रही है। नजर ना लग जाए मेरे बाबू को, तो फिर धीरे धीरे तो फिर ईशू को इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो अपना बैठ रहा, कैसा लग रहा है ईशू आपको? बेटा लाइट तो जला दो कुछ। कैसा लग रहा है ईशू को? आप खुद से चल लेते हो ना? आप थोड़े दिनों में आप ऊपर बुआ को खाना देने आ जाओगे? आओगे? मिस करते हो आप बुआ को ऊपर खाना देना? क्या आपको खाना देने के बहाने मैं ऊपर टीवी देखता था आपका। हाँ अब फिर आ जाओगे और आप 10-15 दिन बाद, है ना? ठीक है। मम्मी जो है नॉन स्टॉप घूम रहा है, आरू की मम्मी के पास चलेगा ना पिटाई कर देगी, देखो गिरेगा बड़ी तेज। कौन सा डांस कर रहा है ये? खाना खा लिया आपने? चलो बुआ आप लंच कर ले। तो ईशु अब जा रहा है अपने रूम में भी? नहीं दादू के जाओगे। अच्छा अभी वहाँ बैठेगा। धीरे धीरे अपना अभी है ईशु को मस्ती आ गई है, अभी इधर से उधर चलने लग गया बेचारा, 2-3 महीने तो बेड पे ही रहा है। तो अभी जा रहा है धीरे धीरे। चलो चलो बाय ईशु। बाय बाय। तो जी लंच जो है वो रेडी हो गया है। लंच में है राजमा, और ये राजमा मैं खाती नहीं हूँ, मम्मी को पता है फिर भी मम्मी ने रख दी। ये राजमा मैं खाऊंगी नहीं, गोभी मैं खाऊंगी, रोटी खाऊंगी, सैलड खाऊंगी, और साथ में मैं खाऊंगी मूली की भुज्जी बनी हुई है और लस्सी। तो ये राजमा नहीं खा पाऊंगी मैं, मम्मी ने गलती से रख दी है, मम्मी को याद नहीं रहा होगा। इस टाइम है ना बोलते बोलते ना मुँह में आ रहा होता है पानी। आज मम्मी मैंने मूली भी खाई है फ्रेश डेली, अब मैं वहाँ लेती हूँ। और जो है अपनी मैं मूली वगैरह जानू इधर आजा, मूली वगैरह मैंने वहाँ से खेत से लेनी शुरू कर दी। रोज एक मूली ताजी वहाँ से लो और अपना खाओ, सही है? हाँ। तो चलिए जी लंच करते हैं हम अपना। तो जी दिन से हो गई है रात और इस टाइम रात के बज गए हैं 8, और इतनी ज़्यादा ठंड है ना बस मैं बता नहीं सकती। ऐसे ना कांप रही हूँ मैं, इस टाइम नीचे आई हूँ सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग करने के लिए, कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मैंने कहा मेरे को अपना काम ही छोड़ना, चाहे ठंड हो चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो, मुझे अपना काम बहुत शिद्दत से करना है। और इसका रिवार्ड भी मुझे चाहिए, कि हो सके तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बस अब आपको मिलवाती हूँ सबसे सबसे पहले तो आप जानू से मिल सकते हैं। जानू बेचारा ठंड में फर्श में बैठा हुआ है, वो भी इसलिए बैठा हुआ है कि उसको भी पता है मेरा कुछ व्लॉगिंग में मेरा कुछ रोल होता है तो मैं अपना काम कर लूँ। देखिए आप क्या कर रहा है जानू, दिखाइए जी दिखाइए। तो ये सीधा हो गया कैमरा ऑन होते ही जानू सीधा हो गया और अपना निकल रहा है जानू। जाना बेबी आ गया, देखो जी इसका इलाज करो आप, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो जानू गया और अब आपको मिलवा देती हूँ भाभी से। और ये भाभी, भाभी वापस कहाँ मिलते हो आप हमेशा,
किचन में मेरी फेवरेट जगह। क्या बन रहा है भाभी आज? पुलाव बना रही हूँ भाई। आज हम कहीं गए थे, कहीं जाना था मेरे को, तो मैं गई थी बाहर, तो आने में थोड़ा सा मेरे को देर हो गई, तो बस जल्दी जल्दी वाला डिनर बना रही हूँ, पुलाव। तो मुझे बता रहे थे मैं आपके लिए डिनर रेडी रखती। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो हम बना लेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा बस फटाफट बन जाएगा, अभी गरम गरम खा लेंगे। चलो बनाओ जी बनाओ गरम। क्या बात है, आज तो बहुत स्मार्ट लग रहा है। स्मार्ट तो हम पैदाइशी है, बस आपकी नजरों ने आज पहचाना हमें। वेरी तारीफ के लिए शुक्रिया। बीवी भी मंद मंद मुस्कुरा रही है। शुक्रिया। अरे आरू जैसे आरू डायलॉग बोलता है कि वैसे मैं कोई इतना भी कोई खास नहीं हूँ। अच्छा ये सच्चाई थी है ना, ये सच्चाई। पर एक बात बता, व्लॉगिंग जब से होने लगी क्या बात है, बीवी के आगे पीछे ही रहता है आजकल। हमेशा बीवी के आगे पीछे रहता है, तो सच्चाई है। हां ये तो सच। और किसके आगे पीछे डोलेंगे भाई? बिल्कुल क्यों, कभी मैं इसके आगे। इतनी ठंडा पता, मेरी तो मजबूरी है व्लॉगिंग करना, तू क्यों आया बाहर पता? बिस्तर मैं देखने आया ना, क्या बना रही है, कुछ मेरी हेल्प की जरूरत पड़े कुछ हो। हाय 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 हाय, वो कैमरे की पता आवाज आ गई होगी हमारी बोलने की कि ये लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, तभी आज तक तो नहीं आए थे जनाब। अरे हमेशा ही आता हूं मैं भाई। हाय हाय, ये ज्यादा मेरी तारीफ इसलिए नहीं करती ना कि नजर ना लग जाए भाई। आज रात को मैं तो खाना खाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि बस ऐसी है, भूख नहीं है इतनी। चावल बन गए हैं भाभी? हाँ, सर्व होने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, देख के तो भाभी आपके चावल देख के लगता है बंदा डाइटिंग ही तोड़ दे। हाय हाय, मेरा तो सब कुछ देख के तेरा मन करता है डाइटिंग ही तोड़ दो, पराठे देख के। तो भाभी आपके आने के बाद ही फूले फले हैं हम, पहले तो हम सिलेंडर इनते एकदम कमजोर बच्चे है ना। चलो नहीं जी, बस आप अपना डिनर एंजॉय करिए। ओके, हम आपको देख के ही खुश हो जाएंगे। ठीक है, आप खाओ और हमारा पेट भर जाएगा। ठीक है तो हम खाते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है। तो बस जी आज के लिए इतना ही था, और ठंडोरिया बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत ज़्यादा कांप रही हूँ। तो चलिए जी, मिलते हैं अब आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं ना हम, इतने ठंड में भी व्लॉगिंग करते हैं। सुबह 5 बजे उठ के भी मैं व्लॉगिंग जरूर करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेट हो जाऊँ चाहे कुछ हो जाए, व्लॉगिंग नहीं छोड़ती। तो प्लीज़ थोड़ा सा लिहाज करिए, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल कूल चिबस को सब्सक्राइब करिए। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें रिवॉर्ड दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अब आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।